इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल आपको सुनाया था प्रताप भानु सत्यकेतु महाराज के पुत्र अरिमर्दन, उनके विशेष सचिव धर्मरुचि, ब्राह्मण देवताओं के शाप के कारण इनको असुर शरीर प्राप्त हो गया। प्रताप भानु रावण बने, अरिमर्दन कुंभकर्ण बने और धर्मरुचि विमात्र भाई विभीषण बने। कठोर तप किए और माजी शिव जी ने वर दिया है। मैदानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से किया। पाताल जाकर दोनों भाइयों का विवाह करके लाया राक्षस विद से रावण। लंका कुबेर जी की नगरी है, मार भगाया सेवकों के द्वारा, राजधानी बनाए, मैंने उसका श्रृंगार किया। पुष्पक यान जो कुबेर जी का यान था, धावा बोलकर रावण जीत लाया। आसुरी वृत्ति धरती पर बढ़ने लगी। रावण का परिवार, आसुरी भाव का परिवार, जे विधोय धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला, शुभ आचरण कतौ नहीं होई। देखो देव विप्र गुरु मान न को। धर्म सत्ता, देव सत्ता, सनातन धर्म की सत्ता, भगवत भाव की सत्ता, इसकी अब वृद्धि होनी चाहिए। चारों धर्मशीलता का, धर्म जागरण का, धर्म समूह का प्रसार होना चाहिए। एक बार पत्रकार भाइयों ने कहा, महाराज आजकल कथाएं बहुत चल रही हैं। मैंने पूछा, क्या चाहते हो बंद हो जाए? चलन देव, अच्छा नहीं होती हैं तो कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। महाराज कथा नहीं हो रही है, बहुत हो रही है तो बहुत परेशान रहते हैं। अजीब आत्मा भगवान ने इन लोगों को दी। होने दो, कथा बहुत हो रही है, मंदिर बहुत बनने चाहिए, यज्ञ बहुत होने चाहिए, गौशालाएं बहुत होनी चाहिए और ब्राह्मणों के संध्या वंदन के मंत्र निरंतर भारत भूमि में उच्चरित होने चाहिए। यही तो भारत है। भाव माने धर्म, रत माने लगाव। धर्म में जो रत है वही देश भारत। धर्म की परिभाषा, धर्म का भाव, धर्म के शब्द, धर्म का व्याख्यान इसी भूमि से निकलकर पूरी दुनिया तक जाता है। पूरी दुनिया कोई भी हम लोग ही बाहर जाते हैं तो किसी और को त्रास देने थोड़ी जाते हैं। अपने जो भागवत लोग हैं उनको जाके कथा सुना के चले आते हैं। बुरा लगाते हैं लोग, आजकल बहुत बढ़ गया है तो तुम्हें क्या दर्द हो रहा है पेट में? बढ़ने दो और आप भी जहाँ रहिए कोई न कोई महात्मा महापुरुष को बुलाकर भगवान की कथा अवश्य कराइए। सब लोग गली मोहल्ले रिश्तेदार नातेदार आवे, कथा होए, भंडारा होए, सब लोग प्रसाद ले ले अपने घर जावे। भगवत चर्चा होती ही रहनी चाहिए, यही भारत है। हमारे घर में हो, उनके गांव में है, उनके गांव में होती रहे, निरंतर भगवत चर्चा होती रहनी चाहिए, ये तो आनंद है। नहीं तो शुभ आचरण नहीं होगा तो क्या होगा? कलिकाल में जितना कीर्तन हो, कथा हो, यजन हो, भजन हो, सत्कर्म हो, वही तो कलयुग को रोकेगा। नीचे नाना अभी कथा पंडाल में कलयुग क्या करेगा? अयोध्या जी में क्यों आएगा बेचारा?
जब भागवतों की भीड़ लगती है तब वहां कलिकाल दूर खड़ा रहता है। इसलिए भगवत भजन निरंतर चलता रहना चाहिए। जितनी क्षमता हो उतने में करिए। 50 लोग बैठे हो, भगवत चर्चा हो, चौपाल करो। आवश्यक नहीं कि बहुत बड़ा क्या जय बैठ के 10 लोग वहीं चर्चा हो रही। इसका भी संदेश है, इसका भी संदेश है। लेकिन वहां तो शुभयाचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुरु मान। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा बेलम पट पर धन पर तारा माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देव साधुन सन करवा जिनके यह आचरण भवा ते जान हो धर्म की ग्लानि देखकर धरती अकुल आ गई, व्याकुल हो गई, मुनिगणों के पास गई। मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश पधारे। विचार होने लगा भगवान कहाँ मिलेंगे, बिना भगवान के तो कोई समाधान उपस्थित होगा नहीं। सब अपनी अपनी राय प्रत्यक्ष दे रहे थे हो तो भगोलेनाथ भगवान ने कहा देवी ते समाज गिर जा मैं भी रहे हूं, मैं रहे हूं। अवसर पाए वचन एक क्या हरि व्यापक सर्वत्र भगवान सब देख रहे हैं। तो प्रेमत प्रकट हो ही मैं अग जग मैं सब रहित विरागी प्रेमत प्रभु प्रगट जिम आगी। यहीं बैठे बैठे भगवान को पुकारिए, भगवान आ ही जाएंगे। भगवान नहीं आएंगे, भगवान का कोई स्वरूप आएगा, कोई पार्षद आएगा। भगवान ब्रह्मा ने प्रशंसा किया, साधु वचन साधु वचन। सब लोग हमारे साथ मिल करके दिव्य स्तुति गान करिए। और ब्रह्मा जी प्रारंभ हुए, अपने चार मुखों से चार छंद गाए। आइए हम आप भी बुलाते हैं, गाते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार। जन सुखदा कनत पाल भगवान जय जय सुर जन सुख कनत पाल भगवान।
वचन समेत गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक सुनि जनि डर पहु मुनि सीध लागे धरि हम नर वेसा अनसन सहित मनुजय ले हम वन कर वंश जन डर पहु डरिए मत। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।